एक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक संदेश आया है, वह संदेश क्या है? जी नमस्कार। सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम मीडिया पे एक बहुत तेज़ी से खबर चल रहा है जो आप लोग देख रहे हैं, वही खबर है जो लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा गया था, वही खबर है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन की सरकार ख़त्म हो रही है, वही खबर है जो लोगों के बीच पहुंचना चाहिए। एक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक संदेश आया है, वह संदेश क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से गोदी मीडिया, गोदी एंकर्स, लाइव स्ट्रीम मीडिया जो सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई है, वही खबर चला रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये होगा, सूत्रों के हवाले से वो होगा। एक बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप था जो हमेशा कहता था कि 180 दिन में सरकार को गिरा देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह संघियों के बीच में रहता है और वह संघियों की बातों को करता है खाली, यानी बैकवर्ड के लोगों को, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी सभी लोगों को बरगलाने का काम करता है। उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहकावे में आ जाते हैं और मनीष कश्यप को बोलते हैं कि बहुत अच्छा पत्रकारिता करता है। नहीं, पत्रकारिता नहीं करता है, वह एक नेता है, वह एक आरएसएस का एजेंट है। जानते हैं क्योंकि वह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। वही मनीष कश्यप कल तक कहता था कि बिहार में कुछ भी नहीं है, बिहार में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खाली तेजस्वी और नीतीश को कोसने का काम करता था। आज वही नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर क्या उनके पास अब कहाँ से बजट आएगा? वही मनीष कश्यप कह रहा है कि अभी बजट नहीं है, कैसे लोगों की काम होगा? वही मनीष कश्यप अपने लोगों को बरगलाने का काम करता है। जानते हैं, यह संघी है, यह आरएसएस का एजेंट है, यह एक पत्रकार नहीं है, यह बीजेपी का नेता है। तो एक अब आपको खबर बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक संदेश आया है जो कि पेपर हर अखबार में है। अब सरकार तो जा रही है लेकिन उससे पहले एक संदेश है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तो हर बिहार वासियों के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि इन लोगों को पता चले कि बैकवर्ड, एसी, एसटी, जो भी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को समझना पड़ेगा। आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जब सोशल मीडिया पर आपको बोलने का अधिकार मिला है फिर भी आप लोग नहीं समझोगे तो कब समझोगे, कब बोलोगे, कब जागोगे? यह एक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संदेश है कि धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा आपने किया, आप ही करेंगे। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, लाखों लाखों में नौकरियां की प्रक्रिया दी आपने, तो तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण बढ़ाया और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए और शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था कराने के लिए, पुल, पुलिया, सड़क, बाईपास, ग्रामीण निर्माण के लिए, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए, बिहार में प्रथम बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी लाने के लिए, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीम मरकज का मानदेय बढ़ाने के लिए, विकास और निवेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए, निवेदक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार की तरफ से यह एक संदेश था। यही संदेश हर बिहार वासियों के पास पहुँचना चाहिए। जानते हैं संघीय और मनुवादी लोगों के कितना दर्द हो रहा था, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और गोदी मीडिया का बहिष्कार कीजिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।